नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवनडीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम बात करेंगे हम पानी की समस्या को लेकर, प्रदेश में मची त्राही को लेकर। जिस तरह से पानी का संकट गहराता जा रहा है, प्रदेश के सभी जिलों में, गाँव में, दूर दराज ढाणियों में बैठे लोगों को पानी का संकट जो है परेशान कर रहा है। जगह जगह पानी के लिए लोगों को माथापच्ची करनी पड़ रही है। कई जगह पर पानी 6 से 7 दिन में पहुँच रहा है, कुछ स्थानों पर 4 दिन में पानी की सप्लाई हो रही है, कई स्थानों पर टैंकरों पर लोग निर्भर है, तो कहीं स्थानों पर लोग जो तालाबों में और जो सूखे कुएं हैं उनमें बूंद बूंद पानी एकत्रित करके कैसे न कैसे अपना काम चला रहे हैं। आखिरकार जल संकट के चलते प्रदेश में सरकार को भी हाई स्तरीय कमेटी की बैठक बुलानी पड़ी। मुख्यमंत्री खुद बैठक ले रहे हैं, लेकिन जो जल संकट है उसके चलते आम आवाम परेशान है। लोग राजधानी जैसे जगह भी पानी खरीद कर पीने को मजबूर है। जगह जगह टैंकरों से पानी खरीद कर पी रहे हैं। आम लोगों तक पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण लोगों में आक्रोश भी लगातार बढ़ रहा है। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश खंडेलवाल, सामाजिक कार्यकर्ता है, स्वागत है दिनेश जी। जितेंद्र चौधरी जी है आसिन भिलवाड़ा से, आपका भी स्वागत है। क्या वाकई में दिनेश जी पानी का संकट है या ये एक क्रिएट किया जा रहा है ऐसा माहौल कि पानी का बहुत जबरदस्त संकट है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है क्या वाकई में? क्योंकि राजधानी जयपुर में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी सरकारी पानी की सप्लाई नहीं होने के चलते लोगों को महंगे दाम पर पानी खरीद कर पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। चाहे वो पृथ्वीराज नगर का मामला हो, चाहे जगतपुरा का मामला हो, चाहे आगरा रोड का मामला हो, चाहे जोटवाड़ा इलाके का मामला हो, कई इलाके ऐसे जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ टैंकरों पर निर्भर है। अगर हम पानी की बात करें, पानी जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर पानी की हालत बहुत विकट है। और एक तरफ गर्मी इतनी भयानक और पानी की खपत की ऑटोमेटिक खपत बढ़ जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से जहां 1 घंटे पानी दिया जाता था वहां आज 30 मिनट 35 मिनट पानी दे रहे हैं। जहां 2-3 दिन में पानी दिया जा रहा था, राजस्थान की बात करें कई जगह 7-7 दिन के अंदर पानी दे रहे हैं। पानी एक ऐसी चीज है, बिना जीवन के पानी की कल्पना, इंसान की कल्पना नहीं की जा सकती। पानी बिना जीवन नहीं है। सरकार आती है, बड़े बड़े दावे लेके आती है, बातें करती है कि कहीं ना कहीं आम आदमी की आम मूलभूत सुविधा का कहीं ना कहीं निवारण करेगी, लेकिन जब हम गर्मी के अंदर पानी के लिए सुबह 4 बजे उठते हैं, 2-2 घंटे तक इंतजार करते हैं कि एक एक बूंद से हम वो भर लें और उसके बाद हमारा पानी नहीं भरा जाता, उसके बाद हमको टैंकरों से संपर्क करना पड़ता है। टैंकर की जहां कीमत की बात करें 200 से 300 रुपए में जो टैंकर आते थे, जैसे ही गर्मी बढ़ती है वो 800 से 1000 रुपए के अंदर टैंकर लेने पड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है कि जिन टैंकरों को आम मौसम में, सर्दी हो दूसरा मौसम हो, उसमें 300-200 रुपए में खरीद लेता है, लेकिन गर्मियों में वही टैंकर के दाम 700-800 से लेकर 1000 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। जिसकी जितना मंजिल का मकान उसका उतना ही टैंकर का दाम। ये राजधानी की बात है। भीलवाड़ा आसिंद अजमेर जिले के तरफ क्या हालात है? जितेंद्र जी, आपके गाँव में क्या पानी वाकई में समस्या है या लोगों को पानी मिल रहा है? मैं यदि भीलवाड़ा और अजमेर ज़िले की बात करूं तो वहाँ पे भी पानी की समस्या बहुत ही गंभीर है। वहाँ पे भी लोगों को अभी भी पानी को इकट्ठा करने के लिए जूझना पड़ता है। गाँव में अभी भी लोगों को 2-2 किलोमीटर से पानी अपने सर पर लेकर आना पड़ता है। कुएँ लगभग सूख चुके हैं, तालाबों में पानी इकट्ठा हो नहीं पाता है, सिंचाई के वहाँ पर कोई साधन नहीं है। सिंचाई तो बात की बात, अभी पीने के लिए भी लोगों के पास पानी नहीं है। भीलवाड़ा में पहले बिसलपुर का पानी जो ट्रेन से आता था, पूरे भीलवाड़ा पानी ट्रेन का पानी पी कर पानी जिंदा था। गाँव में पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है। अजमेर पूरे संभाग में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और अभी हालांकि पूर्व सरकार में जो चंबल परियोजना की वजह से भीलवाड़ा शहर की समस्या का समाधान हो पाया है, लेकिन गाँव में हालात अभी भी जस के तस ही बने हुए हैं। बिल्कुल जितेंद्र जी, भीलवाड़ा में कहीं ना कहीं जो शहर में है वो पानी की समस्या से थोड़ी राहत मिली, लेकिन गाँव में अभी भी हालत भयावह है। दिनेश जी, आपको लगता है जयपुर शहर में टैंकरों से, सरकार दावा करे कि टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है, आपको लगता है सभी कच्ची बस्तियों में सभी जगह पर सरकारी टैंकर पहुंच रहे हैं, लोगों को पानी मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में? सरकार के दावे सही हैं। सरकार बोलती है टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन वहां जाके प्रशासन देखे जब टैंकर आता है तो कैसी मारामारी होती है, एक दूसरे के सिर फूट जाते हैं और पानी को इस तरह से छीनते हैं जैसे कोई खाने की कोई चीज आ गई हो। और आम आदमी के अंदर, एक दूसरे के अंदर जो पड़ोसी एक व्यवहार था वो भी कहीं ना कहीं दूर होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये पानी की किल्लत ऐसी है कि बिना पानी आदमी जीवित नहीं रह सकता और पानी के लिए आदमी हर कुछ करने के लिए तैयार हो रहा है।
दिनेश जी, सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी टंकियाँ लगाई जाती है, जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचता है वहाँ टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाता है, और सरकार के जो टैंकरों की संख्या भी है हर बार गर्मियों में बढ़ जाती है, इस बार भी बढ़ी है, क्या इसके बावजूद लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा? नीरज जी, आपने सही बताया, टंकियां जरूर रखते हैं ये लोग, लेकिन प्रशासन इनकी मॉनिटरिंग नहीं करता है। टंकियां रखे 3 साल हो गए, टंकियां प्लास्टिक की होती है, धूप की गर्मी से वो पिघल जाती है या कहीं ना कहीं टूट जाती है, उसके बाद वो लोग उसके अंदर ध्यान नहीं देते, साफ संभाल नहीं होती, साफ संभाल नहीं होती, उसके बाद जब टंकियां टूट जाती है तो टैंकर वाले टंकी में डाल नहीं पाते, क्योंकि डालते तो पानी ढुल जाता है, इसलिए वो डायरेक्ट टैंकर से सप्लाई करते हैं, और सप्लाई करने के बाद वो छीना चपटा होती है। एक बड़ी और समस्या आती है, जो जानकारी में आया है कि जो सरकारी टैंकरों से पानी सप्लाई करते हैं वो टैंकर चालक कई बार टैंकरों का पानी लोगों को बेच देते हैं, जैसे कि किसी टैंकर चालक को भेजा गया कि आपको मालवीय नगर में सप्लाई करके आना है, फला गली में फला वार्ड में इतने नंबर में सप्लाई करना है, वो टैंकर चालक वहाँ पानी ले जाने की बजाय दूसरे लोगों को पैसा लेकर बेच देता है, क्या आपको लगता है इस तरह की समस्याएं भी है? इस तरह की समस्या है क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी रहती है। ये लोग जो भी टैंकर वाले होते हैं इनका एक निश्चित होता है कि यहाँ से जहाँ इनका सरकारी बोरिंग होता है वो वहाँ से पानी भरता है, और भरने के बाद वो उनको 10 टैंकर वहां से निकालता है, 8 टैंकर वो आम जनता तक देता है, 2 बीच के अंदर उड़ाकर अपने पैसे बना लेता है। इस तरह का आम रोजाना की ये समस्या है, और वही पैसा देकर हम लोगों को उनसे खरीदना पड़ता है। जितेंद्र जी, गांव के हालात कैसे हैं? सरकार का दावा है कि गांव में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है, आपको लगता है गांवों में टैंकरों से पानी पहुंच रहा है, या जितना दावा किया जा रहा है उतना ही पहुंच रहा, कम पहुंच रहा है? गाँव में अभी भी टैंकर से पानी देखने को मिल नहीं रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि गाँव में अभी भी लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। पहले ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद की तरफ से पानी पहुंचाया जाता था, लेकिन लास्ट के एक दो वर्षों में इस तरह की कोई सुविधा देखने को नहीं मिल रही है। आजकल यदि हम हमेशा न्यूज़पेपर या टीवी चैनल में देखते रहते कि इस गांव के लोगों ने वहां पर जाकर मटके फोड़ी, वहां पर जाकर प्रदर्शन किया, तो आखिर में समस्या है, तभी तो वो लोग जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तो आपको लगता है पानी टैंकरों से नहीं पहुँच पा रहा? जी बिल्कुल, पानी नहीं पहुँच पा रहा है टैंकरों से। दिनेश जी, कुछ लोगों का कहना है, सरकार का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि पानी की सप्लाई वैसे ही हो रही है जैसे पिछले सालों में हो रही थी, लेकिन क्या कारण है कि इस बार कुछ ज़्यादा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ज़्यादा लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जानबूझकर इस तरह का माहौल तो क्रिएट नहीं किया जा रहा? सर, धरना प्रदर्शन, एक आम आदमी उस धरने प्रदर्शन में आता है जब कहीं ना कहीं उसकी कोई पुकार नहीं सुनी जाती, जब जाके उनको मजबूरन होकर धरने या प्रदर्शन करने पड़ते हैं, कोई आदमी घर में बैठा जाके धरने देने के लिए नहीं होता है। अच्छा, उसमें कोई राजनीतिक लोग भी नहीं होते, हम लोग कोई राजनीतिक की बातें नहीं कर रहे, हम लोग आम आदमी की आवाज को आपको बता रहे हैं कि एक एक बूंद के लिए आदमी परेशान है। देश आजाद हुआ था उस समय यह कहा गया था कि हर आदमी के जीवन के लिए उसको ऑक्सीजन और पानी निःशुल्क दिया जाएगा, लेकिन यहां तो ये स्थिति हो गई है कि शुल्क देते भी पानी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है दिनेश जी ने कि शुल्क देने के बावजूद पानी के मीटर तो लगे हुए हैं, लेकिन पानी के मीटर से पानी नहीं, हवा आती है और बिल जो है मकान मालिक को चुकाना पड़ता है। और जहां तक बात है शहरों में भी पेयजल संकट बड़ा गहराता जा रहा है, अभी भी जो है मेरी जो है जलदाय विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई, उनको भी आना था लेकिन वो नहीं आ सके किसी मीटिंग में व्यस्त होने के कारण, लेकिन उनका साफ कहना था कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उस तरह पानी का संकट नहीं है। दिनेश जी, पानी का संकट तो ये है, ये लोग अधिकारी लोग सिर्फ अपने अधिकार तक ही देखते हैं, इनको सिर्फ फाइलों तक ही मालूम होता है कि हम लोग इतने टैंकर पानी भेज रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हम लोग जहां रहते हैं, जहां आबादी क्षेत्र है, वहां जहां पहले 1 टैंकर आते थे आज 3 टैंकर आ रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल मुंह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अगर पानी एक आबादी क्षेत्र में क्या होता है, एक ही बाल्टी भी लोगों के नहीं आती है, और उस पानी की छीना झपटी के अंदर लोगों के हाथ पैर टूटने तक की स्थिति है। आपको लगता है व्यवहार खराब हो रहा है पानी के चक्कर में, दुश्मनी हो रही है, आपसी जो रिलेशन है वो खराब हो रहे हैं पानी के चक्कर, बिल्कुल आपस में जो पड़ोसी एक दूसरे से मिलकर अपनी हर एक दुख सुख के अंदर एक दूसरे के पास बैठता था, आज वो पानी को लेकर आपस में कहीं ना कहीं उनकी ताका झोंकी हो जाती है, उसके बाद वो एक दूसरे बात तक भी नहीं करते, ये स्थिति पानी पैदा कर दिया आज। जितेंद्र जी, गांव में किस तरह से लोग पानी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी प्यास बुझाने का जतन करते हैं?
गाँव में अभी पानी लेने के लिए लोगों को कुएं पे ही निर्भर होना पड़ रहा है, या फिर कुछ जो हैंडपंप हैं जो पुराने जो परंपरागत रूप से जो पानी की सप्लाई देते थे वही अभी लोगों के पास संसाधन के तौर पे काम आ रहे हैं, क्योंकि टैंकर से सप्लाई हो नहीं पा रही है। पानी के जो हार्वेस्टिंग जो होती है ना हार्वेस्टिंग, वो गाँव में अभी भी उसकी सुविधा अभी भी गाँव में बढ़ नहीं पाई है, इसीलिए कुओं पे ही डिपेंडेंट है लोग। जैसा कि दिनेश जी ने एक बात कही थी कि ऑक्सीजन और पानी व्यक्ति की एक तरह से मूल आवश्यकता है, तो मैं दिनेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 जो है जीवन जीने का अधिकार, उसको बढ़ोतरी करते हुए उन्होंने ये कहा था कि पानी पीना व्यक्ति का एक मूल अधिकार है और ये एक उसका जीवन जीने का अधिकार है। और बिल्कुल इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि पानी की वजह से लोगों में आपसी रिश्तों में भी खटास आ रही है। गांव में भी लोग जब लाइन लगती है कुओं पे पानी लेने के लिए, तब जब खुद की बारी आने में जब देरी होती है और घर पे कुछ काम होते हैं तो आपस वहाँ पे भी बहुत बार लोगों में बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव आपस में बढ़ रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, कटाक्ष आ रहा है, और कहीं ना कहीं पानी का जो चक्कर है वो आदमियों के व्यवहार में भी कहीं ना कहीं रोड़े अटका रहा है। लेकिन जानकारी ये है, सरकारी दावों की बातचीत करें तो सरकार का कहना है कि गांव हो चाहे शहर हो, जहां भी पानी की कमी है वहां पर डिमांड होने पर पानी की सप्लाई की जाती है, करोड़ों रुपयों का भुगतान उठाया जा रहा है। इसके बावजूद भी दिनेश जी, जयपुर जैसी जगह में भी कई कॉलोनियाँ ऐसी है जहां पर लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर है। अगर हम राजधानी की बात करें, पृथ्वीराज नगर की बात करें, मालवीय नगर की बात करें, मानसरोवर की बात करें, हर जगह जो वीआईपी इलाके अगर उनकी भी बात करें तो वहां हर आदमी को टैंकर के ऊपर आधारित है। कारण पानी आता है 15 मिनट और वो भी लास्ट स्टेज पे जाकर तो वहां पर 5 मिनट भी वो पानी नहीं आता है। बात सरकार की करें, सरकार एक तरफ बूस्टर के ऊपर रोक लगाने की बात करती है, बिजली काटने की बात करती है, लेकिन बिजली होते हुए बूस्टर होते हुए भी पानी नहीं आ रहा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये। बिल्कुल, मुद्दा अगर हमें चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे मुद्दा अग्रम पानी को लेकर, मची त्राही को किस तरह से आम जनजीवन पानी को लेकर त्रस्त है, किस तरह से आम जनजीवन पानी की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है, कहीं पर टैंकरों सप्लाई हो रही है तो कहीं पर नलकूप से सप्लाई हो रही है, बिचलपुर से भी जयपुर में पानी आ रहा है, बाकी अन्य स्थानों पर भी किसी न किसी तरह से लोगों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च भी कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं अभी दिनेश जी ने एक बड़ा सवाल उठाया कि जो पानी को, जो बरसात का पानी है उसको एकत्रित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहने को राजधानी में भी खूब बनाए गए, लेकिन कहीं न कहीं वो प्रॉपर तरीके से बने नहीं हैं, बने हैं तो सारे जाम पड़े हैं, काम नहीं करते हैं, और जब तक पानी को सहेजने की आदत लोगों की नहीं पड़ेगी, आम जनता भी इसके प्रति जागरूक नहीं होगी, बरसात का पानी व्यर्थ बहेगा, तो तब तक जो पानी का जो है सहेजना लोग शुरू नहीं करेंगे तो ये समस्या आने वाले समय में और बढ़ सकती है। क्योंकि जिस तरह के हालात बन गए हैं, कंक्रीट के जंगल शहरों में खड़े हो गए हैं, कंक्रीट के जंगल इसलिए कह रहा हूँ कि जब जंगल कट चुके हैं, हरियाली खत्म हो चुकी है और जो पत्थरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें बन चुकी हैं तो कहीं कहीं कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, इसीलिए आए दिन जो जंगलों में रहने वाले जानवर हैं, कई बार लियोपार्ड और कई बार दूसरे, वो भी अब शहरी आबादी में घुसने लगे हैं। इसका यही कारण है कि कहीं कहीं हमने उनके घरों पर कब्जा कर लिया है, और पानी की बरसात भी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जंगल जब कट गए, पेड़ पौधे कट गए। लोग कहीं भी आज कॉलोनी में जाइए, बहुत कम कॉलोनी ऐसी होगी जहां पर लोगों ने अपने घरों के आगे एक पेड़ लगाया होगा, तो ऐसे में कैसे प्रकृति बचेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पानी को संजोने की जो प्रक्रिया है, सरकार इसमें पहल करे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं कम से कम वहाँ तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बने। आपको लगता है दिनेश जी पिछले सालों में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बने थे वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं? वाटर बचाने की जो बात है इसमें अभी तक आम लोग जागरूक नहीं हुआ, ना सरकार ने जागरूक बनने का प्रयास किया। सरकारी मंजिलों के अंदर तो कहीं ना कहीं सिस्टम अवेलेबल किया गया है, लेकिन प्राइवेट अगर हम बात करें तो मेरा जो मानना है शायद 1 या 2% से ज्यादा कहीं भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई कि जो पानी को हम सजा सके, बचा सके। सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है, पानी को बचाने के लिए भी कि हम पानी को कैसे बचाएं।
पानी को बचाने के लिए आम आदमी के साथ साथ सरकार को भी उसमें पूरा सहयोग की आवश्यकता है। सरकार जन जागरण अभियान प्रारंभ करे, हर आदमी को बताए, किस तरह अपने एडवर्टाइज के माध्यम से समझाए, कहीं ना कहीं सरकारी सब्सिडी बढ़ाए कि पानी को कैसे बचाया जाए, उसमें आने वाले खर्चे को सरकार मेंटेन करे, कुछ परसेंट जनता से ले और ज्यादा परसेंट सरकार दे, तो कहीं ना कहीं पानी बच सकता है। जितेंद्र जी, आपको लगता है गाँव में भी जो पानी सहेजने की परंपरा रही है वो खत्म सी हो गई है? गाँव के आसपास जो तालाब बने होते थे वो खत्म से हो गए हैं, कुओं तक पानी पहुंच नहीं पाता तो इसलिए रिचार्ज नहीं हो रहा है, और वो लोगों को लगता है सब कुछ सरकार पर डिपेंड हो गया, हर आदमी सरकार पर डिपेंड हो गया, हर काम के लिए हम सरकार पर निर्भर हो गए। यह भी बड़ा कारण है कि जो पानी की जो बड़ी है समस्या खड़ी हो गई है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। जनता अब सरकार की तरफ एक आस लगा के देखती रहती है कि सरकार ही आकर हमारे सारे कार्य पूर्ण करें। तालाबों का जितना भी क्षेत्र होता था, जिसको डूब क्षेत्र कहते थे, वो लगभग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने कब्जा कर लिया है, वहाँ पे लोगों अपने खेत उन्होंने शुरू कर लिया, वहाँ पर उन्होंने बाड़ा बंदी करके अपने बाड़े बनाने लगे हैं, तो पानी का जो भराव जो होता था वो वहाँ पर उचित तरीके से हो नहीं पाता। उसके अलावा जो तालाब के अंदर जो पानी आने की जो सप्लाई रास्ते थे वो बंद हो गए हैं, वहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, उनको बंद कर लिया, तो तालाब में भराव नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से आसपास के जो कुएँ हैं वो वापस रिचार्ज नहीं हो पाते हैं। और इसके अलावा गांव में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई भी जन जागरूकता सरकार ने कभी बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की, और न ही वहाँ पर जन जागरूकता बढ़ी है। जिस प्रकार सरकार ने सोलर को बढ़ाने के लिए, सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए सब्सिडी लेके आई थी, उसी प्रकार जनता को, सरकार को जनता के लिए वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी सब्सिडी लेके आनी चाहिए, ताकि लोगों में जन जागरूकता बढ़े, लोग पानी को सहेजने के लिए आगे आए, सरकार और जनता दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ कर साथ साथ चलेंगे तो ही इस पानी को संभाल पाएंगे। दिनेश जी, जयपुर का जो सबसे बड़ा जो जल स्रोत था रामगढ़ बांध, वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है और पिछले कई सालों से सूखा पड़ा है, और चारों तरफ बड़ी बड़ी जो है फार्म हाउसेज बन गए, बड़े बड़े अधिकारियों के, हाई कोर्ट कई बार उसमें संज्ञान ले चुका है, कई बार फटकार लगा चुका है, लेकिन सरकारें कई आई और कई चली गई। किसी भी सरकार ने रामगढ़ बांध के जो कैचमेंट एरिया है उससे अतिक्रमण हटाने का प्रयास नहीं किया। यदि वहाँ के भी अतिक्रमण हट जाते तो जयपुर जैसे शहर की जो पानी की समस्या है उसका निदान हो सकता। तो आपको लगता है सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए, कम से कम रामगढ़ को बचाए ताकि लोगों की प्यास तो बुझ सके? सर, रामगढ़ बंधा वो है जो हमारी सब लोगों की, पूरे जयपुर की प्यास को बुझाता था। आज हम उसको लोग भूल गए, हमारे बच्चे भूलने लग गए हैं कि रामगढ़ बांध कभी बांध हुआ करता था। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये रहा है, वहाँ जो अतिक्रमण है वो कोई छोटे मोटे का नहीं है, हमारे बैठे ऊपर आकाओं का है, ऊपर अधिकारियों का है, ऊपर बड़े राजनेताओं के लोगों का वहाँ पर है। इसके अंदर अगर सरकार वास्तव में ईमानदारी से अगर काम करना चाहती है और आम जनता की सरकार बनना चाहती है तो इसमें सरकार को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और तुरंत प्रभाव से ऐसे जो अतिक्रमण है जो पानी के रुकाव में आगे आ रहे हैं, आड़े आ रहे हैं, उनको हटवाना चाहिए। बरसाती पानी जो बहकर नालियों में जा रहा है, कहीं ना कहीं इनके लिए भी कोई वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम हो, डेवलप हो, जिस तरह जयपुर के आसपास के जो बांध थे लगभग सारे बांध सूख चुके हैं, अब तो गंदे नाले का पानी ही इकट्ठा हो रहा है उनमें, और कई बांध तो ऐसे हैं जिनमें गंदे नाले का पानी भी नहीं जा रहा, तो बरसाती पानी का संरक्षण भी जरूरी है आपको लगता है? क्योंकि आने वाले समय के लिए यदि हम पानी नहीं बचाएंगे तो पानी आएगा कहाँ से? सरकार पानी पैदा तो कर नहीं सकती। बिल्कुल, जिस तरह बरसात के अंदर अच्छा पानी आता है, बरसातें अच्छी होती है, लेकिन वो बरसात का पानी आके बहके निकल जाता है। वो पानी अगर हम धरती में डाल सकें, धरती तक पहुंचा सकें और हमारा वाटर का जो है वो ऊंचाई बढ़ सके, लेवल ऊंचा बढ़ सके, तब जाके हमारी पूरी ये जो योजना है ये कम से कम कारगर साबित होगी। सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए, इसके लिए अलग से बजट बनाना चाहिए, इसके लिए अलग से एक कमेटी बनानी चाहिए, इसमें जो तकलीफें आ रही है उसको दूर करना चाहिए। सरकार को इसके लिए मतलब आगे होकर प्रयास करना जरूरी है। लोगों तक पानी कैसे पहुंचे, क्योंकि आपने कहा टैंकर पहुंच रहे हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, आखिरकार सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन तो सबसे पहला आम लोगों को जागरूक होना चाहिए, दूसरा आम लोग के साथ साथ सरकार को भी उसका सहयोग करना चाहिए। जिस तरह मैं आपको बताऊं, लाइन टूटी होती है, हम अधिकारी को फोन करते हैं, अधिकारी चार दिन तक वो पानी बहता रहता है लेकिन उसके कहीं ना कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, चार दिन तक वो पानी वेस्टेज हो जाता है। तो आम आदमी जागरूक है लेकिन प्रशासन जागरूक नहीं है, तो इसके अंदर सबको जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी बार हम लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा, अब पानी वो नहीं है कि पाइप से हम गाड़ी धोएं, पानी की बाल्टी भर के गाड़ी को साफ करें,
हमको जहां जहां पानी हम बचा सकते हैं, हमने कपड़े धोए उसका जो पानी बचा उसको हम जहां यूज करते हैं उसको करना चाहिए। हमने फिल्टर लगा रखा उसका जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो दूसरी एक टंकी के अंदर जा सके जिसको हम और आगे काम में ले सके। हर आदमी को ये जागरूक होना पड़ेगा जब आम आदमी तक ये पानी पहुंच सकेगा। सरकार के साथ साथ आम आदमी को भी इसमें सहयोग की जरूरत है। जितेंद्र जी, आपको लगता है जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है आने वाले समय में? क्योंकि आने वाला कल तभी है जब जल होगा, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। भले वो मनुष्य हो, प्रकृति हो, या कोई पशु हो, जानवर हो, या पक्षी हो, कोई भी, सब कुछ निर्भर है जल पर। आपको लगता है जल संरक्षण के प्रति जन जागरण, जन चेतना जरूरी है, जिस तरह पहले हमारे पुरखे, क्योंकि राजस्थान में सबसे कम जल पाया जाता है, सबसे कम बरसात होती है, और जैसा कि बाड़मेर जैसलमेर में कहा जाता था कि वहाँ पर लोग जल संरक्षण के प्रति काफ़ी जागरूक थे, लेकिन अब सब जगह लापरवाही हो गई है और सब जगह निर्भरता सिर्फ और सिर्फ सरकार पर बन गई है। आपको लगता है जल संरक्षण जरूरी है? बिल्कुल, बिना जल के आप कल का जो भविष्य है उसके आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जल संग्रहण अगर आप करेंगे तो ही आप कल के भविष्य की कल्पना कर पाएंगे। जल के बिना हर चीज़ अधूरी है। व्यक्ति मनुष्य अधूरा है, पेड़ पौधे अधूरे हैं, प्रकृति अधूरी है। जल को आप किसी बायोलॉजिकल लैब में जाकर आप उसको बना भी नहीं सकते, ये तो आपको उनको संग्रहण करके जो बरसात से जो प्राप्त होता है उसको इकट्ठा करके ही आपको उसका रखरखाव करके ही आपको उसको काम में लेना पड़ेगा। पूरे राजस्थान में जैसा कि आपने अभी बताया कि पूरे राजस्थान में बरसात कम होती है, तो राजस्थान में जब अरावली के जो पश्चिमी भाग में जब जल संग्रहण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी थी, बाड़मेर और जैसलमेर में काफ़ी सारे जगह यहाँ पे कुएं इस तरह का निर्माण हुआ था जहाँ पे वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता था, लेकिन पूरे राजस्थान में इस तरह की कोई भी योजना लागू नहीं हो पाई थी। लेकिन अब पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि लोग इस तरफ लापरवाही बरत रहे हैं, तो पूरे राजस्थान में इस तरह की जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आप अगर जल का संग्रहण करेंगे, जल का संरक्षण करेंगे, तभी आप आगे वाले आने वाली पीढ़ी के लिए आप उनको कुछ दे के जाएंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको सिवाय कोसने के कुछ नहीं करेगी। क्योंकि आपके पास अपने आने वाली पीढ़ी को अगर कुछ वरदान के तौर पर कुछ दे सकते हैं, कुछ अगर आप उनको उपहार के तौर पर दे सकते हैं, तो वो अच्छी जल, अच्छा हवा और अच्छा पर्यावरण दे सकते हैं आप उसके लिए। और उसके लिए आपका जल का संग्रहण जरूरी है, जल का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि जब वर्षा, आपके पास जल संग्रहण का एक ही रास्ता, एक ही संसाधन, वो है वर्षा। यदि आप वर्षा के जल का ही संरक्षण नहीं कर पाएंगे, अमूमन ये देखा जाता है कि कोई भी समस्या आने के बाद उसके समाधान के लिए विचार किया जाता है। बहुत बड़ी बात कही आपने। जैसे कि अभी अपन देखेंगे थोड़े दिनों बाद अभी जून शुरू हो गया है, जुलाई में जब बरसात होगी तब जब नालियों में जब पानी बहेगा और पूरे रोड जब पानी से जमा हो जाएंगे, तब सरकार चेतेगी और सरकार उसको साफ सफाई का और उसके लिए इंतजाम करेगी। तो क्यों ना सरकार अभी जो मई और जून का जो समय निकला, उनको पता है जुलाई में तो बरसात होनी ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो सरकार को पहले से ही अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए, उस बहते हुए जल को रोकने के लिए उपाय करने चाहिए, लोगों को उस बहते हुए जल को स्टोर करने के लिए उपाय करने चाहिए। जल संग्रहण के लिए आपको अधिक से कुछ नहीं करना होता है। सभी लोग आज राजस्थान में सभी जगह पक्के घर बने हुए हैं, कच्चे घर आप ना के बराबर देखने को मिलते हैं। जो पक्के घर हैं उनके छत से जो पानी जो नीचे की तरफ बहता है, उस पानी को आपको स्टोर करना होता है, तो उस स्टोर के लिए आप या तो आपके प्लास्टिक के ड्रम काम ले सकते हैं, या फिर आपने नीचे गड्ढा खोद के उसमें आप जो बड़ा जो होल बना के काम में सुरक्षित कर सकते हैं। जी, तो इस प्रकार आपको जल को ही लगता है आपको जनता को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी जागना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी का दुरुपयोग करते हैं, जैसे आपने बताया था कितने की किस तरह लोग पाइप लगा के अपनी गाड़ियां धोते हैं, किस तरह से रसोई में वेस्टेज किया जाता है, किस तरह नहाने के लिए वेस्टेज किया जाता है, कहीं कहीं वेस्टेज भी रोकना पड़ेगा जो पानी का दुरुपयोग करेगा। कई शहरों में पानी के दुरुपयोग करने पर सजा तक का प्रावधान है, आर्थिक दंड भी लगता है। आपको लगता है राजस्थान में भी कम से कम डर तो हो, भय तो हो लोगों में, पानी कमी होने के बावजूद भी सर्वे से ज़्यादा पानी का दुरुपयोग होता है, वो किस तरह रुक सकता है? देखिए, जल का बचाव ही जल का संग्रहण होगा, और जल के संग्रहण से ही व्यक्ति उसका संरक्षण करके उसको अपने उपयोग के लिए ले पाएगा। जैसे कि दिनेश जी ने बताया, आपने भी बताया कि लोग अपनी गाड़ी धोने के लिए या नहाने के लिए काफ़ी सारा पानी व्यर्थ करते हैं, तो उन लोगों को अपना आपको अपनी इन आदतों में सुधार करना चाहिए। सरकारों को भी कड़े कदम उठाने चाहिए इसके लिए, उनके रोकथाम के लिए उन पर जुर्माना हो, उन पर दंड लगे, उनको जेल हो, इस तरह के कार्यक्रम बिल्कुल। दिनेश जी और जितेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुद्दा क्रम में पधार कर अपनी बात रखी, लोगों को बताया कि किस तरह से आम जनता, आम आवाम पानी की समस्या को लेकर त्रस्त है, किस तरह से राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर 7-7 दिन में पानी की सप्लाई हो रही है, कहीं पर 4 दिन में पानी की सप्लाई हो रही है, कहीं पर 5 दिन में सप्लाई हो रही है, और कई गाँव तो ऐसे हैं जहाँ पर टैंकर भी नहीं पहुँच पा रहे और लोगों को 2 से 3 किलोमीटर दूर पैदल जाकर
कुओं से और अन्य पेयजल स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है, तो किस तरह पानी का संकट है लेकिन फिर भी लोगों को सरकार पर निर्भर रहने के साथ साथ जल संरक्षण की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, साथ में पानी के दुरुपयोग को भी रोकना पड़ेगा जिससे कि भविष्य के लिए वो पानी का संरक्षण कर सके, जल का संरक्षण करे। मुद्दा कर में आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।